अच्छा एक चीज़ है ना कि हमारी ये ट्रिप बड़ी अनप्लान चल रही है, मतलब अभी से करीब 15-20 मिनट पहले हम डिसाइड कर रहे थे कि वहाँ पर एक होटल है, बड़ा खूबसूरत सा होटल है, उधर जाके स्टे करते हैं, क्योंकि होटल भी अच्छा था, किचन भी अच्छा था, सफाई थी, सब कुछ। उसके पूरे 10 मिनट बाद हमारा प्लान बना के चेकआउट करते हैं और इस्लामाबाद चलते हैं। अभी हमारा प्लान ये है कि हमने सामान पैक कर लिया है, इस्लामाबाद जा रहे हैं। रास्ता फुल भीगा हुआ है, कीचड़ कीचड़ वाला है, और पता नहीं कहाँ तक जा पहुँचेंगे। मुश्किल है इस्लामाबाद तक पहुँचे, पर ट्राई करेंगे, रास्ता बहुत ख़राब है। चलो व्लॉगिंग के लिए ये सारे शशके करने पड़ते हैं। चले भाई। ओके अच्छा अभी हमें वो ओ हो 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 हाँ जा, हम भी जब नए नए आ रहे थे ना, बड़े एक्साइटेड थे जाते वक्त, सारे मज़े जो है ना। खैर हमें लाला ने एक बाईपास बताया है जिसकी तरफ हम जाएंगे अभी, और बाईपास से उसने बताया कि 10 किलोमीटर का रास्ता बच जाएगा। 10 किलोमीटर पहाड़ का मतलब 1 से 1.5 घंटा, तो बस रास्ता ये थोड़ा सा गंदा है। आगे आगे मुझे नहीं उम्मीद बारिश हुई होगी, सबसे ऊपर टॉप पे ना ओले गिरे थे और नीचे मुझे नहीं लग रहा कहीं बारिश हुई थी। अच्छा यार हम अभी मदीना रेस्टोरेंट पे कहीं रास्ते में रुके हैं, पता नहीं कौन सा रास्ता है, और आज हम थोड़ी थकावट सी फील कर रहे हैं क्योंकि हम आज बारिश में भी गए हैं, ठंडी हवाएं थी, और ऐसा फील हो रहा है नींद आ रही है, जिसम बड़ा ठंडा सा हुआ पड़ा है, सबका ही ऐसा नींद आ रही है अभी। तो आज हमने जाना है इस्लामाबाद, मालूम जब्बा से ये है करीब 300-200 से कुछ किलोमीटर है। लला सिंह है तो सब मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं, बंदा पता नहीं पागल हो गया क्या, क्या मेरे से बातें कर रहा है। जो केपीके के एरियाज है ना, यहाँ पर एक चीज़ स्पेशल बड़ी मशहूर होती है, चपली कबाब, और ये बंदे मटन बड़ा खाते हैं, तो चपली कबाब तो मेरे फेवरेट हैं, कतर में मैंने बहुत खाए हैं। इसके अलावा कढ़ाई, जो मटन कढ़ाई ये बनाते हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं। तो जिस भी एरिया में आप खाएँगे ना, इनका एक डिफरेंट टेस्ट आपको नज़र आएगा, हर एरिया का हर डिफरेंट टेस्ट होता है, हर दुकान का डिफरेंट टेस्ट है। तो हमने 2-3-4 दफ़ा इस सफ़र में हमने चपली कबाब खा लिए हैं। अभी हम चेक करते हैं चपली कबाब या कढ़ाई कुछ। एक लाला बड़ा खूबसूरत लड़का मेरी तरफ देख रहा है। लाला कैसे हो? ठीक हो? चल। अच्छा यहाँ से भी अभी इस्लामाबाद 200 किलोमीटर है, तो वो हमने आज रात में मुकम्मल करना है इंशाल्लाह। मेन रोड है, मेन रोड लगता है, और मेन रोड मेरे ख्याल में सेफ ही होता है, वरना हम रात में ट्रैवल नहीं करना चाहते क्योंकि इक्विपमेंट काफ़ी है हमारे पास। ये जी मदीना होटल है जहाँ पे हमने कबाब खाए हैं, पता नहीं कौन सी जगह है, कौन सा रास्ता है, पर कबाब मज़ेदार हैं, कभी मिले तो खा लीजिएगा। अच्छा जी हम पहुंच गए मर्दान में, ये वही जगह है जहाँ पर हम लास्ट टाइम होटल ढूंढ रहे थे और हमें कोई अच्छा होटल मिला नहीं था। हमने मालूम जब्बा से लेके अभी तक 150 किलोमीटर सफ़र कर लिया है, और आगे जो सफ़र रह गया है वो है 90 किलोमीटर। एक चीज़ जो मैंने इस सफ़र में नोटिस की है ना, वो ये है कि दिन की बजाय शाम का सफ़र जो है ना ज़्यादा जल्दी से ख़त्म होता है। यही वो रास्ता था जब हम दिन को जा रहे थे, एक तो गर्मी की वजह से हमारे हाथ जल गए, दूसरा गर्मी इतनी थी हम बार बार स्टे करते थे, और काफ़ी टाइम लगा कर हमने वो जो है ना रास्ता पूरा किया था। खैर खाना वाना अभी हमने खा लिया, अभी रुके हैं सिर्फ के गाड़ियों को ठंडा कर लें और थोड़ा जूस पी लें, एनर्जी खुद भी आ जाए, क्योंकि बैठ बैठ के थोड़ी बैक में पेन भी होने लगती है। अभी मर्दान में सिर्फ 10 मिनट का स्टे किया है हमने स्पाइसी बर्गर शॉप पे, जो इस पर
बर्गर का तो पता नहीं पर फ्रेश जूस मिल रहे हैं। मैं चलाना वहाँ यार, मैं चलाता हूँ बाइक। अच्छा यार पंजाबी तुम दस दिना जूस का कोई इन्ना मजा नहीं आया, सुबह के कट्टे हम पाए ने इन्होंने, पर खैर गुजारा किया। इतने पुलिस वाले बड़े चंगे ने, ते कसम भाई जेड़े ना गल्लां कर रहे ने उन्होंने नाल उदों दे। हमारा मैं पूछ रहा था कि आप लोगों का निज़ाम कैसे सही हुआ है, उसने कहा नासिर दुरानी ने सही किया था निज़ाम, और हमारे पूरे केपीके में आपसे कोई भी पुलिस वाला जो है ना पैसे नहीं मांगेगा, आपकी हेल्प करेगा और आपके साथ बदतमीजी नहीं करेगा। तो बाकी वो देखे अभी नमाज़ पढ़ रहे हैं सारे, पहले भी नमाज़ पढ़ रहे थे अभी भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, अच्छे लोग हैं सारे। और पूरे केपीके में हमें आप भी इस चीज़ के गवाह हो कि हमें अभी तक किसी ने ना रोका है ना डिस्टर्ब किया है, पुलिस ने हमेशा हमारे साथ तावन किया यहाँ पे। अच्छा ये चीज़ मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं थी कि, मैंने सोचा था एक दो चलान दो हमारा हो जाना है, पर वल्ला ना अभी तक किसी ने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, ना किसी ने चलान किया है, ना किसी ने बदतमीजी की है। जिसने भी खड़ा किया उसने ये पूछा कहाँ जा रहे हैं और आगे नेक्स्ट के लिए डेस्टिनेशन के लिए गाइड किया है, तो ये एक बड़ा अच्छा निज़ाम है। अच्छा यार ये गर्मी देख के आपको पता चल ही गया होगा इस्लामाबाद में अभी, और गर्मी वाकई बड़ी है। रात को हम 2 बजे पहुंचे थे, फिर हमने स्टे किया था जवाद भाई के पास, सुबह उठे मुंह धोया अभी नाश्ता किया इधर से, और अभी निकलने लगे हैं सियालकोट की तरफ, जो कि एक बड़ी गलती है इस धूप में निकलना। वैसे कैसी बात है यार, एक वक्त था 24 घंटे के अंदर अंदर एक वक्त था जब हम सर्दी से कांप रहे थे, हाथ जम गए थे, और एक वक्त है अभी के जब गर्मी से जो है ना जल रहे हैं, तो अभी निकलना तो पड़ेगा। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम बाइक के कार्गो करें गाड़ी पे चले जाएं, जो हमने अभी अभी प्लान कैंसिल किया है डिसाइड करके, और दूसरा रास्ता ये है कि जाते वक्त हम खुद ड्राइव करके जाएं, जो हम अभी करेंगे। अच्छा अभी तक जो हमने सफ़र किया है 260 से 270 किलोमीटर किया है, और आगे जो सियालकोट तक का सफ़र है वो 300 किलोमीटर, मतलब कि सिर्फ 48 घंटे में हमने 6 घंटे की नींद पूरी की है। रात को हमने ड्राइव किया 11 घंटे लगातार, और इन 11 घंटों में सिर्फ हम 5 मिनट जूस पीने के लिए रुके, और 15 से 20 मिनट हमने खाना खाने के लिए रुके, इसके अलावा कहीं नहीं रुके, सीधा आके इस्लामाबाद रुके। अभी हमने जाना है सियालकोट, तो मुझे लगता है कि हमें रुकना पड़ेगा बार बार, क्योंकि गर्मी बहुत है, गाड़ियों की हालत बड़ी ख़राब हो गई है। सियालकोट हम पहुंच गए, शिनवाड़ी पे हमने खाना खा लिया, काफ़ी देर बैठ के हम बातें कर रहे थे ताकि सूरज नीचे आ जाए, हम वापस जा सकें, सूरज नीचे आ गए और अभी हम निकलेंगे वापस। ये थी मेरी 7 दिन की ट्रिप, बड़ा मज़ा आया इस ट्रिप में, अनप्लान ट्रिप थी, जो दिल किया वो किया, किसी की नहीं सुनी, अपनी मर्ज़ी की, जिस तरह चाहा रहे, जिस तरह चाहा खाया, जिस तरह चाहा बैठे, जिस तरह चाहे गए कहीं भी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं था गया। रिसेंटली मैं जितनी बार पाकिस्तान में गया हूँ ग्रुप्स के साथ गया हूँ, उनके साथ एक तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, दूसरे नंबर पे आप एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। इस ट्रिप पे सब, ये मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ऐसी ट्रिप है जिस पे मैंने सबसे कम पैसे स्पेंड किए हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा किया है, सबसे ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, लोकल से मिला हूँ, इनके फूड्स ट्राई किए हैं। ये ट्रिप मेरी बेस्ट ट्रिप थी, उसकी वजह कि मैं खुद गया था, खुद सब चीज़ें मैनेज की, होटल्स में जाना है, खाना खाना है, ग्रुप में ये नहीं मिलता। तो खैर बाकी सारी बातें करते रहेंगे अभी वीडियोस में, तो मिलते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं सियालकोट पहुंच गया हूँ, अभी मुझे अपने गांव जाना है कासिम भाई को छोड़ के, और फिर जाके आगे देखते हैं कल परसों क्या वीडियोस बनती हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा।